Hello friends, welcome to my channel for those who are new and for those who are not new, still welcome. My name is Jay and today's video is about आज का video winter collection के बारे में है. Winter के जो भी हम कपड़े पहनते हैं, winter में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही कपड़े पहनना पड़ते हैं, right? So क्यों ना हम उसे थोड़ा comfortable, cozy, मज़ेदार और stylish बनाएं. So that's why I thought of sharing my some of my winter collection to you guys. It's not too big, ज़्यादा बड़ा नहीं है, but I thought of just giving you some idea जिससे आपको थोड़ा winter का और मज़ा आएगा. And of course, winter थोड़ा ख़त्म होने को आया है अभी. US में तो अभी भी चालू है, बहुत जगह पे अभी भी ठंड है, but India में ख़त्म होने वाला है. But this is the good time guys to check out for malls and for shopping for winter collections, because अभी winter के कपड़ों पे ज़्यादा sale लग जाती है बहुत सारे stores में. So this is the perfect time you can opt for. All right, so ज़्यादा time waste नहीं करते हैं and let's check out my winter collection. दुनिया के हर कोने में अलग अलग लेवल के विंटर होते हैं. जैसे टेक्सस में तो ज़्यादा ठंड नहीं गिरती, पर कभी कभी टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है. मैंने एक वीडियो भी डाला था, एक दिन स्नो गिरी थी थोड़ी सी, तो मेरा गाड़ी पूरा कवर हो गया था स्नो से. सो इट वॉज लाइक लॉट ऑफ एफर्ट, आई हैड टू टेक ऑफ द स्नो, गाड़ी को हीट करना पड़ा. तो उसका छोटा सा वीडियो डाला है मैंने इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एंडी काउबॉय. ऑल राइट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका मैं. दिस इज़ द वन ऑफ द फेवरेट स्वेटर मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. आई लव दिस स्वेटर बिकॉज इट्स वाइट इन कलर, लवली, जस्ट लव वाइट कलर. एंड ऑफकोर्स दीज लाइनिंग्स दैट मेक्स इट इवन मोर ब्यूटिफुल, आई एम टेलिंग यू गाइज. गाइज जब मोस्टली मैन दे लुक मोर गुड विथ लाइनिंग्स ऑन द साइड और ऑन द इन द फ्रंट समवेयर ऑन योर आउटफिट्स. सो ट्राई टू सी इफ यू कैन फाइंड आउटफिट्स लाइक दैट, राइट? So this is one of the very good sweater. ये मैं usually jeans पे पहनता हूँ, light blue jeans होती है denim पे, but you can still wear it on different outfits, different pants also. Mostly इसके अंदर मैं एक shirt पहन लेता हूँ या collar वाला t-shirt, because उससे उसका रूप, इसका look और अच्छा निखर आता है. All right? तो अभी आपने white color देखा, अभी देखिए black color. ओके, सो टोटली डिफरेंट दैन द प्रीवियस वन, लेकिन इसमें कॉमन बात यह है कि दोनों में बीच में एक लाइनिंग है, इफ यू सी, राइट? सो इसमें नेवी ब्लू कलर भी था, बट ब्लैक और रेड ऑलवेज गोज परफेक्ट. सो ट्राई टू चूज दैट वे. सो दैट्स द रीजन आई बॉट दिस ब्लैक एंड रेड कलर. एंड ये जो लाइनिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके लुक के लिए. एंड ऑफकोर्स मटेरियल बहुत ही बढ़िया है, बहुत कोजी फील होता है. And this goes pretty good on light color pants, at least for me. So that's what I go for. And अंदर मैं जो भी collar वाले sweaters है, round neck sweaters है, उसमें collar वाला t-shirt पहन लेता हूँ. So that looks more effective, more nice. So that's another thing. And of course, ज़्यादा ठंड हो तो भी काम में आ जाता है अगर आप अंदर और एक shirt या t-shirt पहन लेते हैं. अभी जो मैं दिखाऊँगा वो है one of the different kinds, because it has more colors and more linings. And ये बहुत ही material अलग है, बहुत ही soft है. तो अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होती हो तो आप ऐसे type के sweaters ले सकते हैं. ये मैंने लिया था UCB से, United Colors of Benetton से. So it's very soft. They usually make very soft sweaters, जो heavy winter नहीं होता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ऐसे sweaters. तो that is one thing. And of course this goes on any color jeans. I would prefer लाइट या डार्क कलर कोई भी जीन्स, ब्लैक कलर जीन्स पे भी अच्छा दिखेगा या व्हाइट कलर जीन्स पे भी अच्छा दिखेगा, राइट? सो अगेन दिस इज अराउंड नेक, सो आई ट्राई टू वेयर कॉलर टी शर्ट इनसाइड और अ शर्ट इनसाइड. ऑलराइट, अभी अगला जो मैं आपको दिखाऊंगा वो स्वेटर नहीं है, जस्ट फॉर अ चेंज आई शो यू द जैकेट्स, वन ऑफ द जैकेट्स. दिस इज द लीवाइज जैकेट एंड इट्स वेरी ऑसम बिकॉज इट्स वाइट इन कलर, ऑफकोर्स माई फेवरेट कलर. एज आई हैव सीन माई वाइट स्वेटर, समटाइम्स आई वेयर दिस वेन आई डोंट वॉन्ट टू वेयर टू मच ऑफ बंद बंद स्वेटर लगता है कभी कभी किसी लोगों को, तो उन्होंने जैकेट प्रिफर करते हैं, ओपन रहता है, बहुत फ्रेश फ्री फीलिंग होता है. एंड ऑफकोर्स ये कलर का जैकेट आप कोई भी पैंट पे अदर देन व्हाइट यू कैन वेयर दिस एंड इट लुक्स ऑसम, राइट? एंड अंदर ऑफकोर्स कोई भी व्हाइट कलर छोड़ के राउंड नेक टी शर्ट पहन लेंगे तो इट लुक्स रियली कूल. वेल, अगला जो जैकेट है
वो डेनिम का ही है, बट ऑफ कोर्स ब्लू इन कलर, माय अदर फेवरेट कलर. इसमें आप देखेंगे दिस इज द ट्रू डेनिम कलर मैंने चूज किया है. आई डोंट प्रेफर मच डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नाउ डेज वी आर गेटिंग, सो आई प्रेफर द ट्रू डेनिम कलर. एंड इट्स वेरी 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 नाइस, वेरी गुड क्वालिटी. एंड ऑफ कोर्स किसी भी पैंट के ऊपर जाता है, फॉर्मल वेयर पे भी मैं कभी कभी पहन लेता हूँ. इट लुक्स वेरी गुड एंड बिकम्स वेरी हैंडी एंड ईजी जस्ट टू कैरी द जैकेट विथ यू इन योर हैंड. एंड इफ इट्स इफ यू फील इट्स कोल्ड तो सीधा आप पहन सकते हैं इसे, राइट. जस्ट फॉर अ चेंज अगला जो मैं दिखाऊंगा वो है एक जैकेट, बट ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जैकेट. इट्स मोर स्पोर्टी लुक जैकेट. आई प्रेफर टू वेयर दिस एट द जिम और व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग. द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज इट्स सो सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल, इसको आसानी से आप फोल्ड करा के अपने कैरी ऑन बैग में रख सकते हैं. सो ज़्यादा लगेज का हैवी लगेज के लिए हैवी नहीं होता है ऐसे जैकेट्स. सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस जैकेट. दिस इज बाय पेपे जीन्स एंड इट्स रियली रियली सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल गाइस. सो अगर आपको ट्रैवल के लिए और जिम के लिए कुछ चाहिए तो ऐसा जैकेट इज ऑलवेज गुड. अभी नेक्स्ट जो है वो अनदर जैकेट ही है. इट्स वन ऑफ द कॉटन जैकेट्स. सो अगर आपको कॉटन लुक ज़्यादा पसंद है तो इफ़ यू सी दिस जैकेट इज परफेक्ट फॉर यू. दे आर डिफरेंट कुछ पॉकेट्स भी और स्टाइलिंग भी है विच मेक्स यू लुक मोर मोर हैंडसम, मोर गुड. सो दैट्स व्हाट आई वुड कॉल इट. एंड इट लुक्स रियली गुड ऑन एनी कलर ऑफ जीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. And that's why I prefer when I want more cotton kind of feeling for my jackets, then I wear this. अगला जैकेट मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही सिंपल जैकेट्स में से है, बिकॉज बहुत ही लाइट वेट है ये. एज यू कैन सी जस्ट लाइक अ शर्ट. सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट इट. व्हेन ज़्यादा ठंड नहीं है, थोड़ा सा चिली है और आपको ऊपर एक लेयर चाहिए तो ये जैकेट परफेक्ट है. एंड स्टाइल के लिए भी आप इसे पहन सकते हैं. अगर आप एयर कंडीशनिंग में काम करते हैं तो मैं ऑफिस में कभी कभी पहन लेता हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू हैवी. एट द सेम टाइम कुछ फॉर स्टाइल एंड एसी ज़्यादा है तो दिस काइंड ऑफ जैकेट्स रियली हेल्प्स. सो यू कैन चूज दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स जो बहुत ही सॉफ्ट है फॉर योर जैकेट्स. नेक्स्ट जैकेट जो है वो मोस्टली गाइज को बहुत पसंद आता है, आई नो. सो बिकॉज इट्स प्योर लेदर एंड एज यू कैन सी द लुक एंड फील ऑन दिस, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टू. एंड ये बहुत ही हैवी मटेरियल में है तो हैवी इन द सेंस काइंड ऑफ थिक है एंड बहुत ही कोजी है तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है कभी कभी. अगर बर्फ़ भी गिरने वाली हो तो दिस इज़ परफेक्ट दिस काइंड ऑफ जैकेट्स. और या फिर बाइक पे जा रहे हो बहुत ठंड है या फिर थोड़ा बहुत चिली है तो भी ऐसे जैकेट्स बहुत ही दिखने में भी स्टाइलिश दिखते हैं एंड इट लुक्स वेरी गुड ऑन यू. एंड ऑफकोर्स ठंड से भी प्रोटेक्शन हो जाता है, राइट. सो दिस इज़ अनदर फेवरेट जैकेट ऑफ माइन. अब स्कार्फ्स है, ये एक दूसरा विंटर का कलेक्शन है जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है विंटर से प्रोटेक्शन कराने में और बहुत स्टाइलिश भी दिखता है. सो यू गाइज मस्ट ट्राई वेयरिंग अ स्कार्फ अराउंड योर नेक, अपने गले के इधर पहन के एक बार देखिए. इतना कोजी और ठंड से प्रोटेक्टेड फील होगा आपको एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली अगर आप थोड़े बहुत बीमार भी पड़ गए हैं तो इट बिकम्स इवन मोर इफेक्टिव इफ़ यू कीप वेयरिंग स्कार्फ अंटिल यू रिकवर फ्रॉम योर सिकनेस. सो आई हैव डिफरेंट कलेक्शंस फॉर डिफरेंट कलर्स लाइक ग्रे, इज आर ऑल माई फेवरेट कलर्स है काइंड ऑफ. ये इसमें एक है ब्लू तो ऑलवेज रहता है एंड देन एक ब्लैक में है विथ सम टेक्स्ट ऑन इट. सो ये तो मुझे बहुत सस्ते में मिले थे, इंडिया से ही मैंने लेता हूँ मोस्टली. मैं 100 rupees में कहीं पे भी मिल जाते हैं, जहाँ पे स्कार्फ्स मिलते हो यू कैन ट्राई. ऑफकोर्स थोड़े से सिंपल है, ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है ये. अगर हाई क्वालिटी आपको चाहिए तो मॉल्स में थोड़े महंगे में मिल जाएंगे, बट अदरवाइज दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी गुड फॉर विंटर. अगला जैकेट है बहुत ही डिफरेंट है गाइज बिकॉज इट्स स्लीवलेस जैकेट एंड दिस इज रियली वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज बहुत ही अलग लुक दिखता है. इफ़ यू आर ग्रेट शोल्डर्स एंड इफ यू वांट टू वेयर सम नाइस टाइट टी शर्ट एंड उसके ऊपर पहनना है तो बहुत ही अच्छा दिखता है, स्पेशली व्हाइट कलर टी शर्ट पे बहुत ही अच्छा दिखता है ये. एंड ज़्यादा ठंड नहीं हो तो दिस इज़ अ परफेक्ट चॉइस. इसको पॉकेट्स भी है, जिप पॉकेट्स, एंड दिस इज वेरी गुड चॉइस व्हेन इट्स नॉट टू कोल्ड एंड यू स्टिल वांट टू वेयर समथिंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट लिटिल बिट ऑफ कोल्ड वेदर.
वेल अगला जो आइटम मैं दिखाने वाला हूँ वो मैंने खुद पहना हुआ है. दिस इज नॉट अ स्वेटर और एनी काइंड ऑफ जैकेट, बट अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है बट फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा लेयर चाहिए आपके बॉडी के ऊपर, तो दिस इज अनदर स्टाइल यू कैन हैव. आजकल बहुत मार्केट में ट्रेंड में है ये शॉर्ट शर्ट्स. यू जस्ट गेट सम टी शर्ट इनसाइड एंड उसके ऊपर आप पहन लो, ओपन रखो, दैट लुक्स रियली ऑसम. सो आपका जो एक्स्ट्रा लेयर जो आपको चाहिए वो भी मिल जाता है और स्टाइल भी हो जाता है, राइट. इसमें मेरे पास कलर्स भी है, तो दिस इज अनदर शॉर्ट शर्ट आई हैव. इसके अंदर मैं ये कलर का टी शर्ट प्रिफर करता हूँ, मैचिंग हो जाता है. और इसके ऊपर मेरे पास मैचिंग फुटवेयर भी है. दिस गोज परफेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर शर्ट, सो दैट्स समथिंग यू कैन गो फॉर. दूसरा मेरे पास रेड कलर का है शर्ट. ये आप कोई भी रेड टी शर्ट है या ब्लू टी शर्ट है उसके अंदर पहन सकते हैं. इसके ऊपर मेरे पास मैचिंग फुटवेयर है, या फिर आप कोई भी रीगल शूज टाइप शूज भी पहन सकते हैं, वुडलैंड शूज जैसे है, राइट. सो दैट समथिंग यू कैन डू मिसमैच ऑफ हैविंग मोर लेयर्स इंस्टेड ऑफ हैविंग स्वेटर्स. अगर आपके पास स्वेटर्स नहीं है या फिर आपको स्वेटर्स पसंद नहीं है, दिस काइंड ऑफ आउटफिट्स आर परफेक्ट. वेल अगला जैकेट बहुत ही सिंपल स्पोर्ट्स वेयर टाइप है, बट आपको दिखाई देता हूँ विंटर में भी आप पहन ही सकते हैं जिम जाते वक्त या फिर ट्रैवल करते वक्त भी. ये अच्छा जैकेट है जैसे मैंने पहला वाला दिखाया था, बिकॉज बहुत ही सॉफ्ट है तो अच्छे से बैग में बंद हो जाता है एंड कैरी ऑन में कोई ज़्यादा हैवी नहीं होता है लगेज के लिए. सो दिस इज़ अनदर गुड जैकेट, यू एस पोलो असैसिन का है ये. सो दैट्स अनदर थिंग आई वेयर व्हेन आई गो टू जिम और व्हाइल ट्रैवलिंग. फाइनली जो मेरे पास है वो है थोड़े से कलरफुल. अगर आप कलरफुल टी शर्ट्स या स्वेटर्स प्रिफर करते हैं तो दीज आर वन ऑफ दोज स्वेटर्स दैट यू कैन डेफिनेटली बाय एंड थिंक अबाउट. दे आर वेरी कोजी एंड वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट. सो दिस इज़ व्हाट आई प्रिफर व्हेन अगर थोड़ा बहुत कलरफुल पहनना हो तो. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो वन ऑफ दी वेरी डिफरेंट एंड मेरा फेवरेट कलेक्शन में से है. इट्स अ ब्लेजर. Yeah, of course you must be aware of this, but this is something I really like because ये winter ही नहीं बाकी season में भी बहुत काम में आता है. जैसे ऑफिस में ज़्यादा ठंड हो, एसी फील हो रहा हो, तो इट रियली बिकम्स हेल्पफुल. और मेरे प्रोफेशन को ये तो बहुत सूट करता है. सो दिस इज़ समथिंग आई रियली लाइक टू कॉम वेयर एनी टाइम ड्यूरिंग द विंटर और ऑफ सीजन एज वेल. तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये विंटर कलेक्शन पसंद आया और आपको इसका फ़ायदा होगा. और हाँ, शॉपिंग करने जाना मत भूलना क्योंकि अभी सेल लगा हुआ है. मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं बहुत सारे वेबसाइट्स पे, तो डू ट्राई दैट ऑप्शन. ओके, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर विंटर कलेक्शन शॉपिंग. ओके, एंड ऑफ कोर्स आपको इनमें से कौन से टाइप के आउटफिट पहनना पसंद है आई वुड लाइक टू नो. सो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, आई विल वेट फॉर योर मैसेज. ईदर इट कुड बी जैकेट्स, ब्लेजर्स, स्वेटर्स, स्कार्फ्स, एनीथिंग यू लाइक, जस्ट लेट मी नो. ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा सकते हैं, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं. तब तक के लिए बाय गाइस.